कम एवरीवन, आज का पाठ है छाया मत छूना। पहला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता किसकी रचना है? तो यह रचना है गिरिजा कुमार माथुर की। कवि कौन सी यादों को याद करने के लिए मना करता है? यहाँ पर कवि पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से मना करता है, पुराने सुखों को याद नहीं करने के लिए कहता है। तीसरा प्रश्न है, पुरानी सुख भरी यादों को याद करने से क्या बढ़ जाता है? तो यहाँ पर मन में छिपा हुआ दुख बढ़ जाता है। प्रश्न है, जीवन में कैसी यादें फैली हुई हैं? तो यहाँ पर सुखों की मोहक यादें जीवन में फैली हुई हैं। जीवन में कौन से क्षण को व्यतीत हो जाना है? तो जीवन में सुख के क्षण जो हैं वो व्यतीत हो जाएंगे, सुख चला जाएगा। चांदनी किसकी प्रतीक है? चांदनी प्रेम भरे क्षणों की प्रतीक है, यानी कि जो मोमेंट्स थे प्रेम के वो उनकी प्रतीक है। शेष रही का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? प्रेम रूपी सुगंध का बना रहना। उसके बाद जो प्रश्न है वह है, चांदनी रात के पीछे कौन सी रात छिपी रहती है? चांदनी रात के बाद आती है अमावस्या की अंधेरी रात। यहाँ पर मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? मृग तृष्णा का अर्थ है धोखा। प्रश्न है, क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? साहस होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं। रस बसंत जाने पर, इस लाइन से क्या तात्पर्य है? उत्तर आएगा, उचित समय बीत जाने पर, यानी कि सही समय बीत जाने पर। बारहवां प्रश्न है, फूल का खिलना से क्या अभिप्राय है? फूल का खिलना से अभिप्राय है सुखों की प्राप्ति। छाया मत छूना कविता में कौन से बिंब का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर मानस बिंब का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही गई है? तो हर चंद्रिका में छिपी है काली रात। कवि के अनुसार छाया छूने से क्या होता है? कवि के अनुसार छाया छूने से दुगना दुख हो जाता है। छाया मत छूना कविता में प्रभुता का शरण बिंब किसे कहा है? प्रभुता का शरण बिंब यहाँ पर कहा है मृग तृष्णा को। मृग तृष्णा क्या होती है? एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्राप्त भी नहीं होती है और हम उसके पीछे हमेशा भागते रहते हैं। कैसे भागते रहते हैं? जैसे कि कोई प्यासा मृग होता है तो उसे मिट्टी के स्थान पर पानी दिखने लग जाता है रेगिस्तान में, तो उसे हम मृग तृष्णा कहते हैं, जबकि होती मिट्टी है और दिखता पानी है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी न प्राप्त होने वाली चीज़ें जो हैं वो उसके पीछे भागता रहता है, तो उसे हम मृग तृष्णा कहते हैं। यश है ना वैभव है, मान है ना सरमाया। यहाँ पर सरमाया का क्या अर्थ है? सरमाया का अर्थ है यहाँ पर पूंजी, कैपिटल जो है उसे पूंजी कहा जाता है, सरमाया कहा जाता है। शरद रात आने पर भी किसके ना खिलने का दुख है? चांद के नहीं खिलने का कवि को यहाँ पर दुख है। भूली सी एक छोन बंधा हर जीवन क्षण में, कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि भूली सी यानी भूली हुई सी लगता है, तो उपमा यहाँ पर अलंकार है। छाया मत छूना कविता के कथन को गंभीरता किसने प्रदान की है? लाक्षणिकता ने गंभीरता प्रदान की है। दुविधा की अधिकता के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता है? तो कवि को पंथ दिखाई नहीं देता है। पंथ का मतलब होता है रास्ता।
कवि ने मानव को किसका पूजन करने के लिए कहा है? कवि ने मानव को यथार्थ का पूजन करने के लिए कहा है। यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। अगर सरल भाषा में इस शब्द को समझें तो हमें सच्चाई का पूजन करना चाहिए, ना कि झूठी बातों के पीछे भागना चाहिए, जिसे कवि ने मृग तृष्णा कहा है। छवियों की चित्रगंध किस प्रकार की है? छवियों की चित्रगंध है मोहक। छाया मत छूना कविता में यामिनी का क्या अर्थ है? यामिनी का अर्थ है तारों भरी चांदनी रात। गिरिजा कुमार माथुर कृत कविता का क्या नाम है? छाया मत छूना। छाया मत छूना कविता में क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं, तो यहाँ पर साहस भी है लेकिन दुविधा भी है। दुविधा किसे कहते हैं? दो रास्ते कि कौन से रास्ते पर जाएं, असमंजस जिसे हम कहते हैं, भ्रम हो जाता है कि अब कौन से रास्ते पर जाएं, उसे दुविधा कहा जाता है। छाया मत छूना कविता में प्रयुक्त कुंतल शब्द का क्या अर्थ है? कुंतल का अर्थ होता है लंबे बाल, लंबे केश। कुंतल के फूलों की याद, इस वाक्यांश में कुंतल शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर केश से यहाँ पर अर्थ है बालों से। छाया मत छूना कविता में प्रभुता शब्द का क्या अर्थ है? तो संप्रभुता यहाँ पर अर्थ है। पूज्य कठिन यथार्थ क्या है? चुनौती स्वीकारना। पूज्य कठिन यथार्थ यानी चुनौती को स्वीकार कर लेना। चंद्रिका का क्या प्रतीक अर्थ है? यहाँ पर सुख का प्रतीक अर्थ चंद्रिका से लिया है। जीवन में सुहावनी चीज़ें क्या हैं? सुरंग सुदियाँ जो हैं वो जीवन में सुहावनी चीज़ें हैं। यह आज की कविता के मैंने आपको प्रश्न बताए हैं, वन लाइनर्स प्रश्न बताए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न भी इन्हें कहा जाता है। अगर आपको कोई चैप्टर जिसके आपको ये इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वही आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। थैंक यू।